क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर दिया बयान, उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री मूर्ख हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नालंदा में जेडीयू सांसद ने बजरंग दल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बजरंग दल पर बिहार में लगाना चाहिए बैन। नालंदा में सांसद के विवादित बयान पर सियासी बवाल, बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान पर जताया कड़ा एतराज। सहरसा में किसान ने किया एक नए हल का आविष्कार, न ट्रैक्टर की जरूरत न बैल की आवश्यकता। सुपौल में न्याय के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग महिला, जिलाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। भागलपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से पहले सियासत तेज हो गई। राजद उन्हें बिहार में रोकने का प्लान कर रही है, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि बाल्यकाल से जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मूर्ख है, इसको शिक्षा से लेना देना नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा और मैं स्वयं वहां मौजूद रहूंगा। देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने वो आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने आ रहे हैं। भाई शिक्षा मंत्री तो मूढ़ है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। वहीं नालंदा के सांसद जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग दल भगवान राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने का काम करती है, जिससे कोई ना कोई घटना घटती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संस्था को बंद कर देना चाहिए। किसी प्रकार का जुलूस, धार्मिक जुलूस अगर निकलता है तो उसके लिए लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बजरंग दल जैसी संस्था पर बैन लगाने की बात कही गई है। उनके नाम पर कि हम बजरंग दल उनके हम सहायक बन रहे हैं, बहुत बड़े हितैषी हो रहे हैं, और उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से तो कोई ना कोई गलत फहमी में कोई घटना घटती है, इसलिए वैसे संस्थाओं को बंद करना चाहिए। क्या मानते हैं कि रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार में हम लोग तो मीटिंग में कहे हैं कलेक्टर साहब को कि कोई भी प्रोसेशन निकले तो उसमें सम्मानजनक सभी लोगों को ले करके कि एक लिमिट हो कितना लोग ही जाएंगे।
वहीं नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर बजरंग दल के लोग कड़ा एतराज जता रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव कुमार ने कहा कि जिले के लोग आज के माहौल से वाकिफ हैं और ऐसे वक्त में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार एक बेतुका बयान जारी करते हैं जो कहीं से शोभनीय नहीं है। बजरंग दल को बैन कर देने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि बजरंग दल के ही वोट पर वे सांसद बने थे। बजरंग दल कोई जाति विशेष का संगठन नहीं है। अगर हिंदू सांसद महोदया बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करते हैं तो वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और आने वाले समय में उनको करारा जवाब मिलेगा। विशेष भी संगठन है नहीं, तो इन चीज उनको सोच लेना चाहिए कि अगर इस तरह का बयान देते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे इस तरह का जो बयान देते हैं और आगे 2024 आने वाली है, उनको हिंदू बता देगी कि आप किस तरह का बयान दिए हैं और जो बयान दिए हैं संगठन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इतना साल जिस तरह से शहर में घटना घटते आई, PFI हो, बम ब्लास्ट हो, सब जगह बम ब्लास्ट हुआ, अभी नवादा में बम ब्लास्ट हुआ, नगर में अभी से भरपूरा बम ब्लास्ट हुआ। अभी बजरंग दल के बारे में बोले हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए, ये जब इलेक्शन आता है तो BJP और जदयू दोनों मिल जाते हैं और हम लोग से वोट ले लेते हैं। उसके बाद जब आती है, जब पार्टी चेंज हो जाता है, तब ये डायरेक्ट बजरंग दल पे आ जाते हैं, टारगेट कर लेते हैं, किसी को चिन्हित कर लेते हैं। इससे पहले भी रामनवमी पे पथराव हो चुकी है, उससे पहले हम लोग पे कुकवत फेंका गया था और वहां पे कहीं कांड है। वहीं गया में पुलिस ने 1 किलो ब्राउन शुगर के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्राउन शुगर को गुजरात से गया लाया गया था। वहीं ब्राउन शुगर का बाजार का मूल्य 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। गया पुलिस लगातार जिले में मादक पदार्थ विक्रय भंडारण कारोबार में लगे तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी के साथ बीते दिनों धनगाई थाना क्षेत्र में 2,529 किलोग्राम डोडा बरामद की गई। इस संबंध में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। और उसमें कुछ अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे, इसका सहयोगी उस ड्रग कंपनी में, दवाई की कंपनी में वो कार्य करता था और वहीं से ये 1 किलो ब्राउन शुगर वो लाया था और उसको यहाँ पर गया जिले में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में उसकी खपाने की योजना थी, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली और इस मामले में पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्य करते हुए उक्त अपराधकर्मी, जिसका नाम विवेक कुमार है, पेशर शिवबचन प्रजापति और जो कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं और 1 मोबाइल बरामद। वहीं अगली खबर सुपौल से है, जहां सदर प्रखंड से एक वृद्ध महिला सरकार के द्वारा दी जाने वाली पुनर्वास जमीन में बने मकान में रह रही थी, जिसमें उनके ही पोते और कुछ दबंग लोगों ने घर से बेघर कर दिया और उसके जमीन को उसके ही पोते ने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने महिला को प्रताड़ित किया और मारपीट भी की और वहां से भगा दिया, जिसके बाद वृद्ध महिला ने जिला पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार वृद्ध महिला के साथ मारपीट की गई और प्रताड़ित भी किया गया है। हाँ, मगर हम जमीन वो बेचल के हम बेचल नहीं देबे। जमीन तो पुनर्वास के छै, जमीन छै पुनर्वास के। आ बेच सकै छी ओकरा? नहि, अधिकार देलक है? नहि नहि, हमहु नहि बेच सकै छी। आके बसै ले देलक है? बसै ले, जिंदगी जिए ले देलक है? हाँ। तो सरकार से की नियम मांगै छी? कलेक्टर साहब से की नियम मांगल जाय? हम नियम मांगै छी जे ओहि पर से घर हटि जाए, हमर घर बने, जे हम मरबै तऽ अपना घर आ मरैये वाला छी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। सहरसा जिले में एक किसान ने खेती करने के लिए एक नए तरीके का आविष्कार कर लिया है, जिसमें ना तो बैल की जरूरत है और ना ही ज्यादा मजदूर की आवश्यकता। बस एक आदमी हल से अपनी खेती कर सकता है, जिससे उसे ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता और आसानी से अपना खेत जोत सकता है। बता दें कि इस हल को बनाने के लिए एक साइकिल के पहिए और हैंडल की जरूरत है, जिसे एक वेल्डर की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। से चल रहा है सर। आपको बनाने के लिए नहीं आता है? ये सिंहासर में बना। अच्छा, सिंहासर से बनवा के लाए हैं। अगर आप लोग इसे बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा ना? बन जाएगा आराम से। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। ये आपका अपना निजी जमीन है? हाँ, अपना जमीन। इसी को जोत रहे हैं? जोत रहे हैं। तो आपके पास ऐसे ना ट्रैक्टर का साधन है, ना बैल का साधन है? नहीं, सब कुछ का साधन है। इतना थोड़ा सा में क्या आएगा ट्रैक्टर वाला? रोहतास की पुरानी जीटी रोड जो में इन दिनों शहर का मुख्य मार्ग, यहां सड़क के दोनों तरफ के फ्लाइंग फुटपाथ को दुकानदारों ने ऊंचा कर दिया है, जिससे रोड पर वाटर लॉगिंग हो जाती है और आम जनता को आने जाने में कठिनाई होती है। आरसीडी के कार्यपालक पदाधिकारी ने फ्लाइंग कटवाने के लिए जूनियर इंजीनियर को कई बार निर्देश भी दिए, लेकिन स्थिति वही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ठेकेदार की मिली भगत से कागजों में काम हो जाता है, लेकिन सड़क का कार्य अभी लंबित। इस वक्त रोहतास जिला के डेहरी ऑनसोन है, जो मुख्य मार्ग पुरानी रोड कहा जाता है, वहाँ पे हम हैं। और ये रोड में एक गड्ढा जो है कि बहुत बड़ा दिख चला गया है, आप देख सकते हैं। और हम इस वक्त बड़े खड़े हैं, जो बंधन बैंक के जस्ट सामने, ये पुरानी डीजी रोड के सामने ये गड्ढा हुआ है। लेकिन इस मुख्य सड़क पे गड्ढा हो जाना, ये बहुत ही सवाल उठने की बात बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कई ऐसे वीडियो जो है कि वायरल हुई है, जो लोग इस गड्ढे में गिरते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन अमरेश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी गुप्तार। वहीं अगली खबर नालंदा से है, जहां अस्थावा थाना इलाके के कोनन गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही बड़े भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद छोटा भाई और पत्नी घर छोड़कर भाग निकले, जिसके हत्या की सूचना जैसे ही मृतक के ससुराल वालों के परिवार वालों को मिली तो उन्होंने आनन फानन में मृतक के गाँव पहुंचे, जिसके बाद हत्या की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों भाइयों में रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जो बाबू लगती है वो है और बाप भी है, तीनों मिलकर ने इसको बेरहमी से मारा है। कैसे मारा? लाठी डंडा गोली मारा है? बलौठा से मारा है, दिमाग पर मारा है। तो कौन मारा है? छोटा भाई था इसका। छोटा भाई है? क्या नाम है छोटा भाई का? छोटा भाई का नाम बताइए। अच्छा ठीक है, बताइए आपके कौन है? ये मेरा अथी बहनोई है, जीजा बहनोई है।
नालंदा में साइबर कैफे के दुकानदार ने एक भोली भाली ग्रामीण महिला के साथ धोखाधड़ी करके 1 लाख की ठगी कर ली। पीड़िता ने बताया कि वह साइबर कैफे में श्रम कार्ड बनवाने आई थी, तब दुकानदार ने धोखे से उसके मोबाइल से OTP और महिला अंगूठे के निशान लेकर खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। जानकारी होने पर इसके पति ने दुकानदार से पैसे मांगे तो दुकानदार ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़िता ने बताया कि दुकानदार को भी पकड़ने के बावजूद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद मानपुर थाना में दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच चल रही है। टिप्पी ले लिया मोबाइल के नंबर के खाता वाला। अच्छा, टिप्पी लंबा। अच्छा, अब वो लड़का टिप्पा नहीं रहता है, उसका पर टिप्पा ले लिया। अच्छा, दुख है जी, बोला नहीं होगा, उसका से 1 लाख रुपया हमारा निकाल लिया। अच्छा, हमारा मोबाइल नंबर वो ले लिया, वो टिप्पी नंबर। अच्छा, कहां है? गांव का है। ये पैसा मानपुर में निकसा हुआ, वो भी पकड़ा लिया, केस भी किए, कुछ भी नहीं करावा किया। अच्छा, नहीं पकड़ रहा। अच्छा, मारे घींच कर सब मिलकर मारा। कितने लोग मारने में थे? मारे में 12-13 आदमी है। अच्छा, आपके तरफ से कितने लोग जख्मी? हमारे तरफ से जब हल्ला हुआ तो गांव वाला कुल छोड़ाने के लिए गया बाद में, मतलब जब तक गिरल थे हम भी होश। अच्छा, कितना पैसा निकाल लिया धोखा? 1 लाख रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिया। अच्छा, हमारे बीवी का टिप्पा लगा कर। अच्छा, वहीं मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। मोतिहारी SP ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले दिनों एक लहना व्यवसायी की हत्या हुई थी। मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि व्यवसायी अपना बकाया पैसा लेने के लिए अभिषेक झा के यहां गया था, जहां अभिषेक झा ने घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरा मामला एक फाइनेंस कर्मी के साथ लगभग 1 लाख की लूट का था। मामले में पूछताछ से पता चला कि युवक ने खुद ही पैसे का गबन किया था। मामले में फाइनेंस कर्मी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरी जांच कर रही थी। जांच पड़ताल से खुलासा हुआ कि व्यक्ति जहां ये पैसे वसूल करने गया था, अभिषेक कुमार झा के यहां से, तो तकनीकी अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि अभिषेक झा के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। गुप्तचरों ने उन्हें इनके साथ आखिरी बार देखा गया था, और फिर SSL की टीम जांच आई है तो टाटा पिकअप गाड़ी है अभिषेक झा की। वहीं गया जिले में पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ की बिक्री का भंडारण कारोबार में लगातार तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इस क्रम में धनगाई थाना क्षेत्र से 3 तस्करों के घर से लगभग 3000 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। पुलिस को तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। वहीं पुलिस तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि धनगाई थाना क्षेत्र के तिलेटार गांव में कुछ मादक पदार्थ के तस्करों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ वहां पर जमा कर रखा गया है। इस सूचना के सत्यापन पर धनगाई थाना तथा SSB की संयुक्त टीम के द्वारा जब वहां पर रेड किया गया तो वहां से 3 तस्करों के घरों से कुल मिलाकर के 2529 किलोग्राम डोडा। एक तरफ पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए तरह तरह के व्रत करती है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी मामला सामने आया है जहां पत्नी ने अपने ही पति की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर की, जहां पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई उदय बिंद ने बताया कि मृतक कंपनी बिंद पंजाब में मजदूरी का काम करता था। वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल गया था, जहां पर उनके पत्नी ने और साले ने मिलकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आइए, वो आया उतार करके डायरेक्ट वहां चला गया ससुराल। हां, कहां से सर? बकिया। बकिया सिराजी थाना, थाना हलसी उतर के चला गया। और एक दिन वीडियो कॉलिंग में दिखाया हम लोग परिवार को कि भाभी हम लोग जो है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।